दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर एमसी स्टैन अपने दोस्त शिव ठाकरे और गौरी नागौरी के साथ में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने सुंबुल तौकीर खान के बारे में एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एमसी स्टैन अपने दोस्त शिव ठाकरे को टीना दत्ता के बारे में बातें बता रहे थे, लेकिन इतने में उनकी नज़र वहीं गार्डन एरिया में बैठी सुंबुल पर पड़ी, जो कि बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। और सुंबुल को देखकर एमसी स्टैन ने कहा कि यार, ये लड़की क्या चीज़ है, मेरी तो समझ से बाहर है। इसको सलमान सर ने इतना समझा दिया कि इस तरीके से बच्चों की तरह हरकतें मत करो, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं समझती है। ये खुद चाहती है कि ये बच्ची बनकर रहे, लेकिन इसको बच्चों की तरह ट्रीट ना किया जाए। वहीं दोस्तों, उन्होंने सुंबुल के बारे में ये तक कह दिया कि इसके पापा शो के अंदर आए थे, उन्होंने इसे इतना समझाया, लेकिन इसके बावजूद इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले ही पल जाकर वही गलती वापस करती है। क्या ये शो अपने बाप से भी ज़्यादा बढ़कर है क्या? मुझे तो ये चीज़ कोई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि कोई अपने बाप की इस तरीके से नेशनल टीवी पर इंसल्ट कर दे। मैं तो होता तो भूल से भी कभी मेरे पापा जो मना कर देते वो कभी नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने दोस्तों सुंबुल की एज के बारे में बात करते हुए कहा कि ये 19 साल की हो चुकी है, लेकिन मैं जब 17 साल का था तब मैंने लेबल साइन कर दिए थे। ये सुनकर शिव ठाकरे और गौरी नागौरी दोनों ही काफ़ी हैरान हो गए, और वो भी स्टैन के साथ सुंबुल की बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्टैन यहाँ पर सही है या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सुंबुल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, साथ ही साथ लिखना ना भूलें। और यदि आप बीएमसी स्टैन के फैंस हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।